मंदिर को दान किए जा रहे ये बाल बहुत कीमती हैं। पता नहीं इनका क्या होगा, बस ये मंदिर को तोहफा है। आइए बॉक्स में रखिए। दान के इन बालों से कई कंपनियां करोड़ों का मुनाफा कमा रही हैं, पर क्या यहाँ आने वाले लोगों को पता है कि उनके बाल बेचे जाते हैं? नहीं, मुझे तो नहीं पता। अगर मेरे बाल बेचे जाते हैं तो ये ठीक नहीं है। सिर्फ मंदिर वाले जानते हैं कि इनका क्या होता है। दक्षिण भारत में कई मंदिरों में महिलाओं के मुंडन की परंपरा है, लेकिन मंदिर ऐसे बालों को कुछ फैक्ट्रियों को गोपनीय तरीके से बेचते हैं। उनकी कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि बाल कितने लंबे हैं। बेहद लंबे बाल 27,000 रुपये प्रति किलो तक बिकते हैं। इस ट्रक में 127 किलो बाल लदे हैं, यानी ये लाखों का माल है। और मंदिर से ये बाल यहाँ इस फैक्ट्री में पहुँचते हैं। पहुँचने पर सबसे पहले इन बालों को सुलझाया जाता है। यहाँ पर मंदिर से बाल आते हैं इस तरह के। हर गुच्छा उलझा होता है, पहले उन्हें सुलझा करके और उसके बाद फिर इस तरह से बांधा जाता है। इन बालों को अच्छी तरह से धोया जाता है और उसके बाद इन्हें सुखाते हैं। इन्हें बाद में रंग करके 55 से ज्यादा देशों में निर्यात किया जाता है। राज हेयर इंटरनेशनल का सालाना टर्नओवर 55 करोड़ रुपए है, यानी किसी की श्रद्धा किसी के लिए करोड़ों की कमाई का जरिया है। मंदिरों को महिलाओं के ये बाल मुफ्त में मिलते हैं। इससे मिले पैसे को मंदिर वाले लोगों की भलाई पर लगाते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं, यूनिवर्सिटी और अस्पताल चलाते हैं, हम इन्हें खरीदते हैं। ये अच्छा है ना कि हम कचरे को डॉलरों में तब्दील कर रहे हैं। सोचिए इनका बाजार ना हो तो मंदिरों को इन्हें नष्ट ही करना पड़ेगा। और भारत के मंदिरों से ये बाल अच्छी तरह पैक होकर फ्रांस जैसे देशों में पहुंच रहे हैं। यहाँ पेरिस में हेयर एक्सटेंशन या फिर विग बनाने में इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। ये बाल भारत से आए हैं। ये आज की तारीख में सबसे अच्छी क्वालिटी के बाल हैं। 1,000 यूरो यानी 80,000 रुपए में ये महिला ये बाल लगवा कर खुश है। भारतीय महिलाओं के बाल सबसे सुंदर होते हैं, इस तरह मुझ में भी थोड़ी भारतीयता आ गई है।